हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ जेनिफर हियर। और आजकल जो हमारे देश का माहौल चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि आधे लोग कह रहे हैं कि हमें क्वारंटाइन में रहना चाहिए, आधे लोग कह रहे हैं नहीं है, आधे लोग कह रहे हैं ये वायरस ठीक हो सकता है, आधे लोग कह रहे हैं कि वायरस नहीं ठीक हो सकता, आधे लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ बना बनाया कॉन्स्पिरसी है, आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये रियल में वुहान से आया हुआ है। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजिंग स्टेज चल रहा है आजकल हमारे दिमाग में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे एनवायरमेंट में, बहुत सारी चीज़ हो रही है। बट द बॉटम लाइन इज़ दिस कि चाहे वो जो भी हो, जहाँ से भी आया हो और जिसने भी किया हो, मैन मेड हो या नेचर मेड हो, चाहे ये जो भी हो, बट द रियलिटी इज़ ये है, ये हमारे बीच में ये वायरस आ चुका है और हमें इसका प्रोटेक्शन करना ही हमारे पास एक एक आंसर है, और हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब जो चीज़ हो चुकी है वो तो हमें उसको सामना करना ही है। अब कहाँ से आया, क्यों आया, अब इसके लिए ये बात की बात है, बट राइट नाउ हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ एक ही हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम अपनी सेफ्टी पर ध्यान रहे, अपनी फैमिली की सेफ्टी पर ध्यान दें, और हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे नेबर्स में और हमारी कंट्री से इन सब चीज़ों को बाहर निकालें। यही हमारा मेन मोटो है अब का। सो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं इसके इसके वजह से। हम लोग ना बाहर जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना हम मार्केटिंग कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम अपने घरों में रह के इस चीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। तो हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे पास छुट्टियां नहीं होती, हम अपने फैमिली के साथ नहीं होते, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप अपने फैमिली को टाइम दीजिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ कुकिंग कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। बट इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अगर आपके पास पेट्स है तो आप जब उनको घुमा के लाते हैं, आप अपने एनवायरमेंट में आजू बाजू में ही उनको घुमाइए, और जब हमको घुमा के लाते हैं तो प्लीज़ आकर अपने साबुन से अपना हाथ धोइए, सैनिटाइजर से अच्छे से हाथ धोइए। फिर आप ज़रूरी नहीं है कि आप दूध के पैकेट्स ले, आप कार्टन्स भी लेके रख सकते हैं, जो कि आप उनको एक बार वॉश करके अपने घर पे रख लीजिए, तो एटलीस्ट 2-3 दिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल होम डिलीवरीज़ की काफ़ी फैसिलिटीज़ है, आप गवर्नमेंट से ये मतलब ले सकते हैं, और आपके पास व्हाट्सअप नंबर काफ़ी आए हुए हैं राशन की दुकानों से यहाँ वहाँ से, कि आप इसको यूज़ कीजिए, उनको कॉल कीजिए, वो आपके घर तक होम डिलीवरी करेंगे। और प्लीज़ जब वो आपको लेकर आए तो प्लीज़ उसको लेते समय भी आप अपने हैंड्स में ग्लव्स पहनिए, उसको थोड़ी देर बाहर रखिए, 1-2 घंटे उसको बाहर रखिए, ताकि उसका जो जितना अगर उसमें वायरस कंटेंट है तो वो वहाँ से निकल जाए। प्लीज़ आप बहुत ही सिक्योर रहिए। आपको नहीं पता किसी चीज़ में भी वायरस एंटर कर सकता है, चाहे हैंडल्स हो, चाहे कार्टन्स हो, चाहे किसी भी चीज़ में वायरस आपके घर में आपके शरीर में एंटर कर सकता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इससे डरिए, बट इतना भी मत खौफ कीजिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, बट प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी लेके चलिए, ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सके, अपनी फैमिली को बचा सके और अपने देश को बचा सके। जय हिंद।